ताले। 64 कला 36 गुण सिद्धि 18 हाथ और भगतों पे करियो दया मोरे बम बम भोला धन धन भोलेनाथ तुम्हारे ए धन धन भोलेनाथ तुम्हारे अरे कोणी नहीं है खजाने में कैसे इन लोक दुनिया में बसे पर आप बसे भी खबर नहीं तुम देगी और खबर भांग के बोला की और हिल मिल के जयकार लगा दो जय जय बम बम बोला की पाए से दरबार को प्यारे भाग जगाना सीख लो और जीवन की डाली खिल जावे तहूं बाग लगाना जय बोले भोले की कृपा तीनों लोक में ए भोले की कृपा है तीनों लोक में पर उनको मनाना सीख लो और सफल बना लो जा कछु राम गुण गाना सिंह सियावर राम चंद्र की जय हे Yeah.
अपन सभी भक्तों की टेक के बोल है भगवान भोलेनाथ की चरणों में। अरे काशी में विराजे शिव भोला दर्शन से पाप कट। अरे काशी में विराजे दरबार में बैठे हैं। एक बार नहीं, रात भर जयकारा लगाएंगे। जब अपन पूजा के मध्य बैठे हैं, सब लोग, सब भक्त दोनों हाथ उठाकर
और भगवान भोलेनाथ की अच्छी जोरदार जयकारा। बोल शंकर भगवान की। और हमारे अनिल यादव, दशरथ यादव जहां कहीं भी होए साला में आने का कष्ट करें। हमारे केसली से हमारे दशरथ भैया जिनके द्वारा 20 रुपए की राशि आती है, भगवान भोलेनाथ भंडार भरपूर रहे, बोल शंकर भगवान की जय। अभी आप लोगों ने महान नरेंद्र भैया गायकों के मुख से और कथा सुनी। हमारे धीरी कला के सरपंच साहब हैं और पूछ रहे लंका लक्ष्मण कैसे गए। अबाई धनक धीरज धर लो, लक्ष्मण भर नहीं राम भी चले गए, कोई बात ही नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। एक चौक भोलेनाथ के चरणों में आ रे आए हैं द्वार तुम्हारे, और सब पे राखियो दया ये दादा ढमेरू। भोला से अपन औरों की यही पुकार है कि सब पे दया रखो। सवेर ये जितने आए दरबार में और तुमरे बाल गोपाल खाली झोली दत्ता तुम भरो, कर दियो और हमारे सम्मानीय
श्री तारा सिंह पटेल जी, आप भी तरवारा निवासी हैं, आपके द्वारा भी 50 रुपए की राशि और 20 रुपए की राशि एक गुप्त महोदय है, गुप्त दान में देते हैं। हेलो तारा सिंह, समाज में खड़े होकर बड़ी मत कीजिए आप। और हमारे श्री नारायण पटेल जी जो पिपरसरा आए हुए हैं, उनके द्वारा 500 रुपए की राशि है। भगवान भोलेनाथ ऐसे भक्तों की मनोकामना पूरी करे, यही मेरी पुकार है। बोल शंकर भगवान की। और हमारे ग्राम बंधी से श्री विशाल ठाकुर, वो भी सियाराम के भक्त हैं, उनके द्वारा भी 50 रुपए की राशि आती है। बोल नर्मदा माई की। क्या अपन ने सीधी साथ में जो शिवलिंग पूजे जा रहे हैं काशी में, अलग अलग भटकवे की जरूरत नहीं है। काशी में विराज से भोला, दर्शन से पाप कट, जिस साथ में वहां दो हमारी मंगूबाई ने 3 और 4, तो हमारे भगत जी ने 5 और 6, जिस साथ में सो लेते हैं। आओ भैया, बोलिए शंकर भगवान की। हमारे भैया जो भोलेनाथ की जड़ी बूटी भी देते हैं करही जवारे, उनके द्वारा 150 रुपए की राशि है। बोल शंकर भगवान की। बहुत गहरे धस गए हैं और अब तू कभी कथा मेरे बच्चों रे फंसे। ऐसे नहीं फंसे, अब कह रहे थे कि जबलपुर को बब्बर सिंह, और क्या कह रहे केदारनाथ सौराष्ट्र में। अरे कछु पढ़ो लिखो ऐसे बब्बर शेर नहीं, सौराष्ट्र में नहीं, उत्तराखंड में पत्रकार आश्रम में जबरदस्ती। अरे दत्तात्रेय सिंह पुर जिला में आए, नरसिंहपुर जिला में आए हो, जबलपुर से बात है क्या? और लगा आ रहे हो तारा पटेल तरवारा।
जी नरसिंहपुर जिला की जबरदस्ती कई कई बप्पर शेरे आ गए कई ठिकानों ने लगे गली ढूंढ लो कोई भगवे की ये कुछ तो नहीं है चौक सुन लो ज्ञान में भंडार भागीरथ ठाकुर भिजा की ओर से भी 20 रुपए की राशि बोल शंकर भगवान की। एक चौक है बप्पर शेर के लाने कैसा पराए बप्पर शेर पराए फंस गए बस में और ये सो नकली शेर बंधो देखो सारे पराए फंस गए बस में और ये सो नकली शेर बंधो देखो सारे ₹50 राजे भैया शंकर भगवान के भक्त और 500 रुपए की राशि हमारे जो मां साहब बैठे हैं रघुनाथ झारिया जी विपरसरा जिनके द्वारा आती है भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूरी करें बोल शंकर भगवान की। ऐसो नकली शेर बंधो देखो सारे बसवाए और नरसिंहपुर में नाच में आओ है नरसिंहपुर में नाच में जबलपुर से बप्पर शेर तो नहीं। अरे कई कई तो 84 लाख वनी में प्रार्थना करत कि मुहे मनुष्य को जन्म दे दी जो मनुष्य के बप्पर शेर इतनी बेझा बात हम लोग तो प्रार्थना कर रहे कि भगवान हेलो के नरसिंहपुर में नाच वे आओ है और दिखावे किसम एक किसम को ना परख करत है पारखी रहे जो से हमारे बप्पर शेर के परम शिष्य है राम कुमार जी जिनके द्वारा भी 11 रुपए की राशि और अधीरथ यार बेटा सुनो बेगली छोड़ कर चले जाए मन हमने चल मना कर दही चौक न कहने कमेटी की ओर से प्रश्न है कि चौक नहीं कहेंगे हमारे भागीरथ ठाकुर ग्राम कुटरी निवासी आपके द्वारा अभी 20 रुपए की राशि है बोल शंकर भगवान की। ये तो कुमारी बारो हमने कहा नगा और हमारे सम्मान्य श्री लखन झारिया जी कुटरी निवासी आपके द्वारा अभी 50 रुपए की राशि है बोल शंकर भगवान की। इतने
गायक और कवियों है, गायक है बुलाओ है, बड़े प्रेम से मैंने जा कही थी कि ऐसे महान कलाकार सबसे नंबर एक के श्रीनगर में बुलाए गए। मगर एक भाई का कह रही है कि जे दुश्मन डटे हैं, ऐसी जे तो दुश्मन बैठे हैं। अरे तुम्हें दुश्मन दिखा रहे, जेती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देगी दिन तैसी। जेती जो भावना है वो है वो ही दिखे। और हम तो एक ऐसे भाई कि कभी किसी को पीछो नहीं कहे और हमरो पीछो बात है आदमी तो हम पर छोड़े भी नहीं। और ना मंगू भाई जी का कहे परे ने कोई के पीछे और सिलक तो बड़ी हो जाए रहे लोहा के। कैसी दत्ता कह गए आपको तू तो सुमन बैठे कहीं पर नहीं गुड़ी के पीछे और सिल्क तू बड़ी हो जाए रहे लोहा के। कथा कहानी नहीं बनी घर और जब रही गई है ए भाई जाजा भाई फंस गई भी जब आती बोल शंकर भगवान की। और मोनू मेहरा जी श्रीनगर वाले आपके द्वारा 20 रुपए की राशि बोल शंकर भगवान की। मानक मेहरा जी आपके द्वारा 25 रुपए की राशि बगासपुर से आए हैं और दे रहे बोल शंकर भगवान की। साथ में शिवलिंग हमारे उस्ताद तरवारे के, जो कोई न कोई आदमी हर आदमी के अंदर कला होती है, परंतु हमारे जो तरवारा से पटेल साहब आए हैं इनमें एक बड़ी कला है बिड़ी की। लिसी बिड़ी मुंह में बिड़ जाते हैं और फिर निकल आते लिसी दिशा। ये मेरी भारी कला है, कलाकार माने जाते हैं ऐसे आदमी। महापुरुष ये भी परमात्मा का अवतार और प्रकृति ये दोनों काशी में तप कर रही है। मंगोबाई केदारपुर की हिप्ती केदारपुर देखो तो उनकी अकल। अरे नहीं बने
तो जो गवैया जहाँ गा रहे हो तई अपन भी गा दू पा जरूरत मरी आगे बढ़ाएगी कि दूसरे उलंग दान एक राउंड ले गाओ पता नहीं जाता जिनके कारण काशी में सुनो क्या बोलो और बैठे ए भोला नाथ ए भाई क्या दुनिया में पूजा हो रही प्रीतम चौधरी जी श्रीनगर वाले और वे कह रहे हैं कि ये तारा चंद नहीं तारा सिंह है तरवारे वारे उनके द्वारा भी 20 रुपए की राशि है। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर बोले कि तारनाथ जी आठ में शिवलिंग कैसे पूजे जाते हैं तो प्रकृति और महापुरुष ने जिस समय तपस्या की एक बार वहां जलमग्न होने लगा था परंतु भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए वो काशीपुरी त्रिशूल के ऊपर कर दी थी कि भक्त हल न जावे घबड़ा न जावे भगवान भोलेनाथ ऐसे दयालु है। भैया ने भीम शंकर और केदारनाथ की कथा सुनाई मनो जो न सुनाई कि वे तो काय पूजे गए का कारण है तो केदारनाथ में भी नर नारायण दो ऋषि थे ये भगवान के अवतार थे और इनने भी भगवान भोलेनाथ को रिझाया और बद्रिका आश्रम में बिठा दिया और भीम की कथा सुनाई उन्हें अरे भाई क्या था नक तो धीरज धल्ले शास्त्र ऐसा कहते हैं गुरु गौतम ऋषि महाराज देवगिरी पर्वत पे गौतम ऋषि महाराज देवगिरी पर्वत पर रहते के जहां परवेशक पर गया और 100 वर्षों का काल और पानी धरनी में नहीं गया हो रहे हाल में
का जो मैं काल पढ़ा और गौतम ऋषि महाराज ने भगवान भोलेनाथ को मनाया कि भोलेनाथ सब साधु संत यहाँ विराजमान हैं और दुखी हैं, अगर जल नहीं बरसेगा तो भी कहने लगे भोलेनाथ कि सुनो ये श्राप है और जब श्राप नहीं काट सको मानो तुम्हें एक उपाय बता दे तो एक हिरिया खोद लो। हमारे परिवारे तारा सिंह समिति की ओर से 50 रुपए की राशि है। अरे भूरा नंदा जी उस्ताद, अरे वाह, अरे तुम्हारी तो बात ही अलग, उस्ताद ही तो हो जब तो दे रहे पैसा। हेलो हेलो, बोल शंकर भगवान की जय। दारा सिंह, हेलो हेलो, दारा सिंह, दारा सिंह आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? क्या आपको बिल्ली की कला दिखाना है तो पीटर्स दिखाओ। हेलो, बिल्ली की कला दिखाना है पीटर्स दिखाओ, कभी के सामने धुआं मत करो, खांसी आ जाए, राग बिगड़ जाए, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हमारे एक बार मैंने अलवंगा ने डारो तो कथा को मैंने ये कही थी कि उस ज्योतिर्लिंग की एक कन्या पूजा कर रही है, जा कही थी मैंने, जा तो ना कही नहीं कि भैया वह कोई अलग की कथा है। भगत जी कह रहे थे कि महाराज का ये कड़बंगा डार गए की कथा, और कहीं मैं बताए दे तो पति के लाने वा तप कर रही थी और एक पति की तो छोड़ो 5 पति मिल गए इन्हें, शिव पुराण में कन्या नहीं मिली, महाभारत पहुंच गए, देख तो ले पहला। अरे शिव पुराण में ढूंढ लेते कौन बड़ी बात हती। हमारे उप सरपंच कसरत पटेल जी, आपके द्वारा 50 रुपए की राशि है और भगवान भोलेनाथ ताराचंद को कहना है कि अब मोई भर के बिड़ी को खेल कर अंदे कोई दूसरों न करी को। कन्या ये सत्य बात है कि द्रौपदी ने भी किया है, परंतु मैंने कोई दूसरी कन्या का बोलिया था कि जो आज शिवरात्रि में पूजा कर रही है। फूल चमराई ने खिले कैसे वो कन्या की लंबी कथा, फूल ढूंढी ने कैसी दत्ता, वो की फूल तुम्हें न मिल है, रात भर गाने और कन्या ढूंढ लो जो भैया ने हम के वह कन्या। और ऐसी नहीं, जब मैंने खरीद कि नंदा व्रत कर रही है तो ध्यान लगा लेती तुम कि नंदा व्रत कौन कर दिया है, और शिव पुराण की कथा है कि कन्या थे ढूंढ थे लान दो, और जब जाने पप्पर से Thank you.
शिवलिंगों की पूजा करी तो कौन बालक है जो जिंदा होगा वो? हमारे भगत जी का कहना है कि वो कौन बालक है कि जो जिंदा होगा वो। और मैं अलग से कथा नहीं बता रहा हूं, ज्योतिर्लिंग में तुम देख लेना, घुसमेश्वर महादेव में कि उतर उगी जो माता विमाता थी उसने वध कर दिया था उसका, और कहा एक सरोवर में फेंक दो तो उतई ये को पुत्रिया व रोज पूजा करके और शिव प्रतिमा विसर्जन कर रखती है वो। मैं देख लेना, मैं ऐसी नहीं कि कोई अलग से कथा गा रहा हूं। हाथ जीवन से धोगा हो तो और घुसमेश्वर महादेव की कृपा से सुनो बालक जिंदा हो। कैसी दत्ता, कोई नई बात नहीं, और जे ढूंढ लाए कन्या द्रौपदी आए पांच पतियों की और काफी तो ऐसे ऐसे बस। भागीरथ ठाकुर साहब कुटरी बारे और दिखाई रहे हो का कहवे की बात, हम तो बोलता ही बिना ये के बोलते ही थे। 50 रुपए की राशि और 20 रुपया जी वरना कोई ना भैया बता दो। और हमारे पटेल साहब ने उनके द्वारा भी आए हैं जो सगरा से आए हैं, बड़े अच्छे बाबा जी के परम शिष्य हैं। बोल शंकर भगवान की वो जिंदा पर फरक तो हतो के वो 5 बरस को ने हतो जिया बोलो लगता। अरे वो ब्याह हो परो तो